युवाओं की मतलब पीड़ित हैं कि हमें कोई रोज़गार नहीं है, नौकरियां आ रही हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी सरकार इस तरीके से काम करेगी, क्योंकि हम लोगों ने आज देखा अब तक के सारे सरकारों को। उस सरकार में भी थी, इस सरकार में भी है, कुछ कमियां सबके अंदर होती हैं। अगर हर कमी को आप अगर खोजते हुए चलिएगा, हर चीज़ पे अगर कुछ चीज़ को इग्नोर किया जाता है। 1 जून को काशी में मतदान होना है, उसको लेकर आज हम कचहरी में कुछ अधिवक्ताओं से बात करने आए हैं कि क्या रहेगा इनका इस बार का चुनाव का मुद्दा। जी, क्या रहेगा इस बार आपका चुनाव है, 1 तारीख को मतदान है, क्या रहेगा आपका मुद्दा? मेरा नाम सुधा सिंह है और इस समय कचहरी का यह है, थोड़ा सा युवाओं नाराज़ हैं, यही मेन है दिक्कत। युवाओं की मतलब पीड़ित हैं कि हमें कोई रोज़गार नहीं है, नौकरियां आ रही हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार ऐसा क्यों समस्या आ रही है, इसी सरकार में बार बार यही हो रहा है। और भी कई मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है सरकार का परिवर्तन होना चाहिए या परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कोई और नहीं है। जी, आपका क्या राय है, जिस तरह से इन्होंने कहा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका जो है मुद्दा है कि बेरोजगारी, क्या? बिल्कुल, युवाओं के लिए रोज़गार तो बिल्कुल होना चाहिए। और चुनाव का एक विशेष मुद्दा है जो कि विकास, इस सरकार में विकास एक मेन मुद्दा है और ये सरकार विकास पे तो ध्यान देती है। तो किस पे ध्यान इनका होना चाहिए ज़्यादा फोकस? रोज़गार पे, जिस तरीके से आज हमारे युवाओं को आप देखेंगे, उनका एक मेन मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ रोजगार, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर रोजगार इनकी सरकार देती है तो इनकी सरकार अच्छी है? इनकी सरकार देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी सरकार इस तरीके से काम करेगी, क्योंकि हम लोगों ने आज देखा अब तक के सारे सरकारों को, और ये सरकार ही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है। बस इसको थोड़ी सी ध्यान युवाओं पे देने की ज़रूरत है कि रोज़गार उपलब्ध कराए। 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या ये साबित होगा? देखिए, कहते हैं ना कि थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और हो सकता है, और परिश्रम का नतीजा यही होगा मेरे भी ख्याल से, 400 पार। और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये भैया हैं, उनसे क्या नाम है? जी, हमारा नाम एडवोकेट शैलेंद्र सिंह है। हमें तो कोई मुद्दा नज़र ही नहीं आ रहा, ना विपक्षियों के पास कोई मुद्दा है। मैं टोटली भाजपाई हूँ और मोदी भक्त कह लीजिए, योगी भक्त कह लीजिए, और उनके कामों पे हूँ मैं, उनकी जात या उनके नाम पे नहीं हूँ, मैं उनके कामों से संतुष्ट। तो क्या लगता है जो बेरोजगारी और मुद्दा और सब बेरोजगारी कहीं नहीं है? आप अपने बनारस को लेके चलिए, हमारे बनारस काशी में मोदी जी ने देखिए, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती पहली चीज, और इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में हर देश का एक रेशियो होता है, 2% से ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट हमारे भारत की कभी जीवन में नौकरी दे नहीं सकती सरकारी, कि सरकारी नौकरी अगर नहीं। बाद में मौका मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा, आप बाद में बोलिएगा। अब आ जाइए रोजगार के मुद्दे पे। हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, एक छोटा सा घाट के किनारे नमो घाट बना, टोटो से लेकर के चाट चना बेचने वालों से लेकर के कम 1000 लोगों ने रोजगार पाया, जिनके अगर 4 भी ऑप्शन लेके आप चलें, उनकी बीवी और 2 बच्चे मात्र, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 1 पर 4 4000 लोगों को उन्होंने एक छोटे से घाट पे काम दिया। पर्यटन बढ़ा, नौकाएं बढ़ी, नौका मलाहों के लिए हर चीज़ को, MBA MCA सारी चीजें करके हम नमो घाट पे जाए और ठेला चाय बेचे, ये गलत है। मैंने MBA MCA को नहीं कहा, मैंने रोजगार पे बोला। MCA MBA है तो कंपटीशन दें, तमाम कंपनियां ऑफर दे रही हैं। वैकेंसी हमेशा इस सरकार ने निकाला है, ठीक है, कुछ पुरानी समस्याएं हैं जो अभी साफ नहीं हो पाई हैं, जो लगातार दौर में हैं, उस सरकार में भी थी, इस सरकार में भी है, कुछ कमियां सबके अंदर होती हैं। अगर हर कमी को आप अगर खोजते हुए चलिएगा, हर चीज़ पे अगर कुछ चीज़ को इग्नोर किया जाता है, अगर कोई सरकार अगर 10 अच्छे काम कर रही है तो उसमें उसके 1-2
गलत कामों को भी इग्नोर करके जनता को अच्छा बात करें, अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इन्होंने जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, भाई साहब जिस तरह से विकास हुआ है, तो क्या लगता है कि आज जो लोकसभा चुनाव है तो पूरे ताकत क्यों झोंक दिए सारे मंत्री सारे लोग? चुनाव बिना ताकत के नहीं लड़ा जाता। रुपया 14 की बात 19 की बात करें, 19 का 14 की बात करेंगे तो 14 और 19 में तो नहीं था, लेकिन किसने नहीं लगाया है, कौन बाहर से नहीं बुलाया है? कल हमने देखा हमारे माननीय मोदी जी के विपक्षी हमारे माननीय सांसद जी भैया अजय राय भैया घाट पे कुछ लोगों को दिखा रहे थे कि ये गुजरात से जहाज आई है, हमारे मल्लाह मारे गए, आप भी जहाज बनवा लो। यहाँ हमने देखा घाटों पे भैया बहुत लोगों ने ऐसा बोट बनवा क्या मतलब जो इससे जो आपका जो चल रहा है उससे क्या नहीं हो रहा है? आपके नाविक नहीं मरे हैं इससे? रोजगार नहीं छीनी है? रोजगार नहीं छीनी है नाविक कोई? कोई नाविक नहीं मरा है। हर व्यक्ति वहाँ जो है हवाई जहाज से नहीं उड़ता, ट्रेन से भी चलता है, बस से भी चलता है, बैलगाड़ी और पैदल भी चलता है, साइकिल से भी चलता है। कहने का मतलब अपनी क्षमता अनुसार अपनी व्यवस्था अनुसार हर व्यक्ति के पास आप भी जाएंगे और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। भाई साहब इनका कहना है कि विकास तो बहुत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विकास हुआ है। वाराणसी की जो आप देख रहे हैं दस सालों में आप इस वाराणसी को किस रूप में देख रहे हैं? जरा आप देखिए नज़रिया, देखिए देखने का बदल गया नज़रिया। वाराणसी जो है जहाँ ठीक से लोग चलते नहीं थे, मोटरसाइकिल से चलते थे, कमर बैठ जाती थी, आज रोडें अच्छी मिल रही है आपको, रोजगार नहीं मिला, रोड मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है सर, आज भी लोग जो है बना रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिली है। देखिए नौकरियां कई लाख नौकरियां मिली हैं जिसका जो है पूरा बायोडाटा है, एक एक चीज का बायोडाटा है, लेकिन युवा तो कह रही है रोजगार नहीं है। मत जाइए अफवाहों मत जाइए, केवल गुमराह किया जा रहा है। नौकरियां हैं, नौकरियां भी मिली हैं, व्यवसाय भी मिला है, और साफ सफाई के साथ साथ अच्छी रोडें मिली हैं और बिजली मिली है। हर व्यक्ति आज समाज का हर छोटे से छोटे तबका के व्यक्ति खुश है। आज मोदी सरकार या योगी सरकार हो, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है। आज हमारी बहन बेटियां रात के 10 बजे भी कैसे पहले नहीं जाती थी, इससे पहले नहीं जाती थी, डरती थी। ठीक है सरेआम छिटाकसी होता था, बलात्कार का होता था, देखिए कितना रेप के मामला। ये उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ कि लोग निकल जा रहे हैं घर से, क्या लगता है? देखिए ये सरकार में महिलाओं के लिए तो है, लेकिन ठीक है मैं कहती हूँ कि ठीक है योगी सरकार ने महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने किया है, पर एक चीज ये है कि आज हम महिलाएं भी सच में सक्षम हैं इस चीज के लिए। इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रही हैं आप आज के दिन? कहीं नहीं। स्वाति माल तो क्यों नहीं बोल रही है? मतलब क्या 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 कहना चाहती हैं आप? क्यों नहीं बोल रही है? मैं पूछ रहा हूँ, संकोच मैं ये कहूँगी कि महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो युवा अपनी उम्र की उस सीमा में पहुँच गए हैं जहाँ उन्हें न तो सरकारी न निजी न व्यवसायिक रोजगार में सक्षमता हो पाई है, जिससे उनका नॉर्मल जो जीवन यापन है वो नहीं हो सका है, एक सामाजिक उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो राजसभा का सांसद है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के यहाँ वोट हुआ, बीएचयू में इतना बड़ा कांड हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं हुई बीएचयू में? किसकी कार्रवाई? कार्रवाई नहीं हुई, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए, उनकी पे कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की गई है, ऐसा नहीं है? स्वाति माल, मेरा क्वेश्चन था स्वाति मालीवाल पे क्यों नहीं कार्रवाई की? पकड़े गए लेकिन घटना तो घटी ना, घटना तो कहीं घट सकती है, लेकिन जो घटना अरविंद केजरीवाल के क्यों हो रही है? अरविंद सीएम आवास में जो घटना घटी उसका उनको भी सजा मिल रही है, पदक्षेप क्यों नहीं हुआ? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बयान क्यों नहीं दिया उस पर? अखिलेश ने बयान क्यों नहीं दिया उस पर? आपके मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? आपके बेटियों के इतने बड़े कांड हुआ, किसी ने मंत्री नहीं दिया? यहाँ से आपका 3 दिन का मिनिमम कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कोई भी नहीं पर्सन हो, लेकिन किसी ने बोलने की इच्छा नहीं किया? सबने बोलने की इच्छा किया, क्यों नहीं बोला? क्या बोला केजरीवाल? नहीं नहीं बोला गया, ऐसा नहीं है। देखिए बस मेरा ये कहना है कि आज भी ठीक है, इस सरकार को मैं बहुत अच्छी सरकार मानती हूँ, लेकिन आज भी है डर गुंडों में, लेकिन वो डर जो होना चाहिए वो नहीं है। अगर वो होता तो आज के डेट में बीएचयू जैसी घटना, मणिपुर जैसी घटना, ये कहीं महिलाएं हमेशा से असुरक्षित थी। आज ठीक है, मैं इस सरकार का पूरा समर्थन करती हूँ, ये सरकार महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम जाते हैं थाने पे तो थाने में भी डर रहता है कि ये सब कहीं योगी मोदी पोर्टल पे अपनी कंप्लेन न कर दे। लेकिन
घटना घट रही है, वो डर अभी भी इन लोगों में नहीं है। ठीक है सरकार, मेरा इस सरकार से कोई और नहीं समस्या, बस रोजगार। हमारे युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सरकार में कोई कमी नहीं है, बस रोजगार। तो देखा आपने, ये काशी की जनता, इन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार चल रही है, सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेरोजगार और महंगाई की अगर बात करें तो इस सरकार बहुत अच्छी है। वाराणसी से न्यूज़ वर्ल्ड के लिए नोमेश श्रीवास्तव।